हेलो एवरीवन, आज है 20 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में, जिसको हम IRFC के नाम से भी जानते हैं। रेलवे को फाइनेंस करने का काम ये कंपनी करती है। छोटी सी कंपनी है और हाल फिलहाल में ही इसका IPO आया था। IPO के बाद अगर हम देखें तो कोई बड़ा ना उछाल आया है, ना ही कोई बड़ी गिरावट आई है। जहां पर है वहीं पर ये खेल रहा है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 24 रुपए का ये शेयर क्या खरीदारी के लिहाज से अट्रैक्टिव है कि नहीं, कौन सा लेवल यहाँ पर सही होगा बाइंग के लिए, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कि कितने वक्त के लिए आपको इसको होल्ड करना चाहिए अगर आप खरीदारी करते हैं तो। वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं हम इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन की। 24 रुपए का ये शेयर है और पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में 5% की बड़ी गिरावट भी हम देख चुके हैं। अब देखिए, शेयर 24 पे था, बाद में तकरीबन 26 रुपए के आसपास पहुंचा, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो लगातार ये टूट रहा है, 24 रुपए तक आ चुका है, लगातार टूटता हुआ नजर आया है ये शेयर। यहां पर अगर हम बात करें जब से इसका IPO आया है तब से लेकर अब तक अगर हम बात करें तो अब तक का सबसे बड़ा लो बना है। जब से IPO आया है तब से लेकर अब तक सबसे बड़ा लो इसका 24 रुपए का ही है जो आज बना है। सबसे बड़ा लो इसने बना दिया है जब से IPO आया है तब से। और अगर हम देखने की कोशिश भी करें तो ज्यादा कोई बड़ा गैप यहाँ पर नहीं आया। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि ना ही बड़ी गिरावट है, ना ही बड़ी तेजी है, 26 रुपए के आसपास का हाई है और अब तक का सबसे बड़ा लो 24 रुपए के आसपास बनता हुआ नजर भी आया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो NSE में 1.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है, अच्छे खासे क्वांटिटी में ट्रेड भी हो रहा है ये। और शेयर होल्डिंग की मैं बात करने जाऊं तो प्रमोटर के पास 86.36% की होल्डिंग है। अब प्रमोटर यहाँ पर कौन है? सरकार है भैया, सरकार के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है इनकी। और FIs ने भी अच्छे खासे खरीदारी करी थी, 2.23% की होल्डिंग FIs के पास है, 2.82% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास देखने को मिल रही है, जबकि इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पर अपना हाथ बिल्कुल भी नहीं डाला है। सिर्फ 3 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है और 18 FIs ने यहाँ पर अपना पैसा लगाया है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 6.18% के आसपास है। छोटा सा शेयर जरूर है लेकिन अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है ये। 10% का इन्होंने डिविडेंड पे किया है, मतलब पर शेयर आपको इन्होंने पिछले महीने फरवरी में 1.05 रुपए का डिविडेंड पे किया है। आप सोचिए, 25 रुपए का शेयर अगर आपको 1 रुपए का डिविडेंड पे करता है तो ये अच्छी बात है, बेहतर चीज है ये। और ये चीज हमें कॉमन देखने को मिली कि अगर आप सरकारी कंपनियां देखोगे, अच्छी खासी सी अगर आप सरकारी कंपनी देखते हो तो डिविडेंड पेइंग में वो बेहतर होते हैं भाई साहब। चाहे ONGC की बात करो, इंडियन ऑयल की बात करो, गेल की बात करने जाओ, इवन रेल विकास निगम की बात करो, अच्छे डिविडेंड पेइंग कंपनियां होती है ये सारी। यहां पर अगर मैं आपको एक और चीज दिखाऊं तो टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल है। रीजन, क्योंकि जब से IPO आया है तब से लेकर अब तक अगर हम देखें तो अब तक का सबसे बड़ा लो यहां पर बना है, डाउन ट्रेड में है ये शेयर, और इसीलिए आपको टेक्निकल रेटिंग थोड़ी सी न्यूट्रल देखने को मिल रही है। और कोरोना के केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं अब ये भी एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही ही है कि ऐसे बढ़ते केसेस की बदौलत आने वाले दिनों में जो हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे रेलवे की, उसमें हम कुछ महीने पीछे चले जाएंगे। जो देखिए, अब तक हमको ये लग रहा था कि भाई साहब वैक्सीनेशन काम शुरू हो चुका है, धीरे धीरे कोरोना खत्म हो जाएगा, तो ऐसे सिचुएशन में रेलवे की ग्रोथ सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलेगी और इसके ऊपर बहुत ही तेजी से काम किया जाएगा। लेकिन अब जिस तरीके से केसेस महाराष्ट्र में अब बढ़ रहे हैं, गुजरात में भी धीरे धीरे पिक आ रहा है, तमिलनाडु से लेकर केरल से लेकर मध्य प्रदेश तक जिस तरीके से हमें बढ़ते केसेस नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हमें आने वाले 1-2 महीना पीछे ही खींच के ले जाएंगे, जिसके चलते थोड़ा सा पैनिक क्रिएट जरूर हो चुका है। अकॉर्डिंग टू मनीकंट्रोल यूजर 35% लोग ही खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 6% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब 41% लोगों का पॉजिटिव व्यू है, जबकि 59% लोग आपको यहां सर बेच के निकलने की भी सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं।
रेवेन्यू अगर हम देखें तो बेहतर हुए हैं इनके, नो डाउट। 2009 में जहां 830 करोड़ के रेवेन्यूज देखने को मिलते थे, आज वो धीरे धीरे 4000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं, और क्वार्टर दर क्वार्टर इनके रेवेन्यू में हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की भी मैं बात करने जाऊं तो प्रॉफिट भी बेहतरीन है। जहां कंपनी पहले 2008 में 88 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, अब वो 1000 करोड़ से भी ऊपर का प्रॉफिट कर रही है, और क्वार्टर दर क्वार्टर ग्रोथ भी है। 900 करोड़ रहा, फिर 995 करोड़, अब 1045 करोड़ से भी ज्यादा का ग्रोथ है। तो ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात ये कि जिस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है ये, उस सेक्टर में कुछ समय के लिए पुल बैक आया है, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म में दोबारा तेजी के संकेत आपको यहाँ पर जरूर देखने को मिल जाएंगे। और देखिए, रेलवे को फिनांस करती है ये कंपनी। जैसे ही कोरोना धीरे धीरे खत्म होगा, वैक्सीनेशन धीरे धीरे अच्छे से शुरू हो जाएगा, तो याद रखिए रेलवे को फुल फ्लेज में चलाया जाएगा। नई आपको रेलवे भी देखने को मिलेंगी, नई गाड़ी आपको देखने को मिलेगी, इवन बुलेट ट्रेन के ऊपर भी काम किया जाएगा। हालांकि ये बहुत वक्त लगेगा उन सारी चीजों में, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो उसकी बदौलत एक बड़ी फाइनेंसिंग का मौका इस कंपनी को मिलने वाला है। और देखा जाए तो रेलवे का जितना खर्चा होता है, उसका 30 से 40% की जो फाइनेंसिंग होती है, वो IRFC के द्वारा ही देखने को मिल रही है। तो बहुत ही स्लो मूव जरूर करेगा ये, डेफिनेटली लो पर ट्रेड कर रहा है। हो सकता है कि यहाँ से 1 रुपए और नीचे टूट जाए, लेकिन खरीदारी का मौका यहाँ पर अभी भी है। तो मैं कहूंगा कि अगर आपका नजरिया 2-3 साल का हो तो ही यहाँ पे खरीदारी करिए, क्योंकि भाई साहब बहुत ही स्लो मूव करेगा ये, बहुत ही स्लो करेगा ये। थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा आप देखिए, पिछले जब से IPO 1.5 महीने से, अगर हम देखिए 1.5 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है इसको IPO को आए हुए, और भाई साहब 2 रुपए से भी कम का प्राइस रेंज है इसका। 24 रुपए का लो बना है और 26 रुपए से भी कम का हाई है, 1 रुपए 90 पैसे का ही प्राइस रेंज है। तो भाई साहब बहुत स्लो मूव करने वाला है। आप इसको दूसरा रेल विकास निगम मान के चल सकते हो, दोनों जुड़वा भाई बनने वाले हैं आने वाले दिनों में। लेकिन एक चीज श्योर है यहाँ पर कि जैसे जैसे सिचुएशन सुधरती जाएगी, कोरोना के केसेस कम होते जाएंगे और रेलवे के ऊपर फिर से बहुत ही तेजी से काम होता हुआ आपको नजर आएगा, ऐसे में रेल विकास निगम के शेयर में भी बढ़िया रैली आपको देखने को मिल जाएगी, और डूबने वाली कंपनी नहीं है। जब तक रेलवे है तब तक ये कंपनी भी है, ये मान के चलिए। लेकिन हाँ, ग्रोथ बहुत ही स्लो तरीके से होगी अनडाउटेडली। ये लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको इसलिए प्रीफर करता हूँ, ताकि भाई साहब एक तो पहली चीज ये कि ये आपको अच्छा डिविडेंड पे कराए, ठीक है। 1 रुपए का तो भाई साहब डिविडेंड ये आपको पे कर ही रहा है, और इससे ज्यादा का डिविडेंड यहाँ पर आपको मिल रहा है, और तो और लॉन्ग टर्म में आपको ग्रोथ भी देखने को मिल जाएगी। तो अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है ये। बोनस में आपको यहाँ पर अच्छा डिविडेंड भी मिल रहा है, और लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पर ग्रोथ भी देखने को मिलने वाली है। तो इसीलिए आप यहाँ पर चाहे तो होल्ड कर सकते हैं शेयर को, लेकिन तभी यहाँ पर आप खरीदारी करें जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि मुझे यहाँ पर 2-3 साल के लिए तो बने ही रहना है। और 24 रुपए के ऊपर है अभी भी बाइंग का मौका है, कोई मौका हाथ से गया नहीं है। और अगर इसे नीचे चला भी जाए तो थोड़ी और क्वांटिटी भी आप ऐड कर सकते हो। ये समझ से खरीदारी करो कि आपको किसी एक प्राइस पे बहुत सारे शेयर्स नहीं खरीदने हैं, टुकड़ों में खरीदारी करिए। अगर आपको 1000 खरीदने हैं शेयर, तो पहले 300 खरीदिए इस लेवल पर, वेट करिए 50-60 पैसा और नीचे टूट जाए और 300 शेयर खरीद लीजिए, थोड़ी और 1-2 रुपए की गिरावट का वेट करिए, और बाकी की जो क्वांटिटी है आप उस लेवल पर भी ऐड कर सकते हैं। ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिहाज से बेहतरीन शेयर है ये, और खोने के लिए मुझे यहाँ पर कुछ ज्यादा लग नहीं रहा है, क्योंकि डूबने वाली कंपनी नहीं है। रेलवे आपको एक बार फिर से फुल फ्लेज में काम करती हुई नजर आएगी, जैसे ही कोरोना की दिक्कत खत्म हो जाएगी और जैसे ही मार्केट फिर से ओपन हो जाएगा। याद रखिए, रेल विकास निगम के साथ साथ ये भी वो शेयर है जिसकी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और इवन बजट में जब भी हम बात करेंगे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की, तो याद रखिए सीधे सीधे हम बात करें रेल विकास निगम के साथ साथ IRFC के बारे में भी हम यहाँ पर बात, क्योंकि भाई साहब पैसा तो ये लोग ही देने वाले हैं। तो इसीलिए नजर रखिए इस कंपनी के ऊपर भी। बहुत ही छोटा शेयर है ये, लेकिन काम काफी बड़े बड़े कर रहा है, और अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी, और अच्छा डिविडेंड तो ये पे कर ही रहा है।
तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि IRFC के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।